सोशल मीडिया में दशहरे के टाइम पर रावण का बखान देखकर मुझे थोड़ा सा अचंभा हुआ और इसीलिए मैंने आज सोचा कि कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूँ। इसीलिए कि उसने माता सीता को कभी छुआ नहीं तो रावण का बखान हर जगह होने लगा। अरे भाई, माता सीता को नहीं छूने का कारण उसकी भलमन साथ नहीं बल्कि कुबेर के पुत्र नल कुबेर द्वारा दिया गया श्राप था कि नए बुद्धिजीवी लोग ये कहानी सुनाने बैठ जाते हैं कि एक माँ अपनी बेटी से यह पूछती है कि तुम्हें कैसा भाई चाहिए। बेटी का जवाब होता है रावण जैसा, जो अपनी बहन के अपमान को बदला लेने के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दे। भद्रजनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रावण की बहन सुपर्णखा के पति का नाम विद्युत जीव था, जो राजा कलकेय का सेनापति था। जब रावण तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने निकला तो उसका युद्ध कालकेय से भी हुआ, जिसमें उसने विद्युत जीव का वध कर दिया। तब सुपर्णखा ने अपने ही भाई को श्राप दिया कि तेरे सर्वनाश का कारण मैं बनूंगी। इसीलिए कि कोई कहता है कि रावण अजय था, जी नहीं, प्रभु श्री राम के अलावा उसे वानर राज बाली ने भी हराया था। इसलिए कि वो एक प्रकांड विद्वान था, जी हाँ वह तो सच है वह था। रावण का विद्वान होना उसे किसी भी कुकर्म करने को अधिकृत करता है क्या? आप ही सोचिए। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को यथार्थ जीवन में लागू ना करे वो ज्ञान विनाशकारी होता है। रावण ने अनेक ऋषि मुनियों का वध किया, अनेक यज्ञ ध्वंस किए, ना जाने कितनी स्त्रियों का अपहरण किया, यहां तक कि स्वर्ग लोक की अप्सरा रंभा को भी नहीं छोड़ा जो उसकी बहू थी। गरीब ब्राह्मणी वेदवती के रूप से प्रभावित होकर जब वह उसे बालों से घसीटकर ले जाने लगा तो वेदवती ने आत्मदाह कर लिया और वह उसे श्राप दे गई कि तेरा विनाश एक स्त्री के कारण ही होगा। जरूरी है अपने हृदय में राम को जिंदा रखना, क्योंकि सिर्फ पुतले जलाने से रावण नहीं मरा करते। विधर्मियों द्वारा फैलाई गई बातों पर ना जाए, अपनी बुद्धि लगाएं।